थाली भर कर ल्याई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की। जी मुमारा श्याम धणी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। आज जिमाऊ तने खीचड़ो काल राबड़ी घाट की। जी मुमारा श्याम धणी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनुजी द्वारा लिखित राजस्थान के संत सूरमा एवं लोक कथाएं पुस्तक में से आज मैं आपको कर्माबाई के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं। धरती पर जब पाप और अन्याय बढ़ा, तब तब महापुरुष पैदा हुए और धर्म तथा न्याय का साम्राज्य स्थापित किया। मरुधरा शूरा संतों और सतियों की खान रही है। ऐसी ही भक्त शिरोमणि कर्माबाई का जन्म नागौर जिले के मकराना कस्बे के नजदीक छोटे से गांव कालवा में एक किसान जीवड़ा राम डूडी के घर रत्नी देवी के गर्भ से भादुआ बदी एकम अर्थात 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ। कर्माबाई ने अपनी पर्ची में जन्म स्थान मरु प्रदेश का आनंदपुर बताया है, जो कालवा ही है, जहां आनंद के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहती थी कर्माबाई। कर्माबाई के जन्म पर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे चारों तरफ खुशियां फैल गई। कहते हैं कर्माबाई पैदा होते ही हंसी, जो एक चमत्कार था। एक बूढ़ी दाई ने तो कहा कि यह बालिका ईश्वर की अवतार है। जीवड़ा राम ने पुत्री को लाड प्यार से पाला पोसा। कर्माबाई का विवाह छोटी उम्र में ही अलवर जिले के गढ़ी मामोड़ गांव में साहू गोत्र के लिखमा राम के साथ कर दिया। कुछ ही समय बाद पति की अचानक मृत्यु हो गई। कर्माबाई उस समय कालवा में ही थी, लेकिन उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरे सांसारिक पति तो संसार से चल बसे हैं। उनका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए गढ़ी मामोड़ अपने पिता के साथ कर्माबाई चली गई। छोटी उम्र में पति का स्वर्गवास होने पर कर्माबाई को लगा कि आना जाना जगत का दस्तूर है। कर्मा घर का पूरा काम करती, खेत का सारा काम करती, आस पड़ोस के लोगों के साथ प्रेम से रहती, अतिथियों की खूब आवभगत करती। कालवा में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी कर्माबाई की प्रशंसा होने लगी। कर्माबाई के माता पिता छुप छुप कर खूब रोते कि ईश्वर ने निर्दोष बच्ची के साथ अन्याय क्यों किया। शायद इस लड़की के पूर्व जन्मों के पापों की सजा मिली है। माता पिता ने कर्मा का पुनर्विवाह करने का मानस बना लिया। पड़ोसियों व संबंधियों का भी मत था कि हमेशा हमेशा के लिए बेटी पीहर में रहकर जिंदगी नहीं बिता सकती। कर्माबाई को भनक लगी तो माँ से बोली, माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं छोटी उम्र में ही पति से बिछुड़ गई, तो हो सकता है कि आप मेरी दूसरी शादी करें और पति फिर ईश्वर को प्यारा हो जावे, तो आप क्या करोगे? मेरे प्रियतम तो वो हैं जो कभी नहीं मरते, एक दिन वो हमारे घर आएंगे। माँ माँ मैं वचन देती हूँ कि आपका यश ही फैलाऊंगी, कभी अपयश नहीं होने दूंगी। पुत्री की बातें सुनकर माँ का कलेजा पसीज गया। माँ ने तय कर लिया कि दूसरा विवाह नहीं करेंगे। कर्माबाई के माता पिता तीर्थ नहाने के लिए गांव वालों के साथ पुष्कर लोहारगल कुरुक्षेत्र के लिए चले तथा जाते जाते अपनी पुत्री को भगवान को जिमाने की हिदायत देकर गए। घर में एक कोने में छोटे से दिवाले में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। कर्माबाई ने बड़ी जिम्मेदारी समझी। सुबह सुबह बाजरा मूंग चावल का खीचड़ा बनाकर थाली में मूर्ति के सम्मुख रख दिया। कर्माबाई ने मूर्ति से खूब मान मनोवल की। श्री कृष्ण के मुंह में ग्रास से खीचड़ा दिया, लेकिन भगवान के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान के प्रति खीज प्रकट की। कर्मा ने भी जिद पकड़ ली तथा बोली, भगवान मैं भी बेटी जाट की हूँ, आप नहीं जिमोगे तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। कर्माबाई ने दिन भर घर की सफाई की, शाम को नहा धोकर फिर खीचड़ा बनाया तथा भगवान को जिमाने बैठ गई। मूर्ति में कोई हलचल दिखाई नहीं दी। कर्मा ने अपने माता पिता को भी उल्हाना दिया कि ऐसा भी कोई भगवान होता है जो भेदभाव करता है? मेरे माता पिता के हाथ से जीम लेते हैं और मेरे द्वारा बनाए जीमण में नखरे दिखाते हैं। कर्मा ने तय कर लिया
चाहे भूखों मरना पड़े पर कृष्ण कन्हैया को जिमा कर ही रहूंगी। मेरे कौन से बच्चे भूखे मरेंगे? वह बोली, हे कन्हैया, तुम ही मुझसे रूठोगे तो इस धरा पर मेरा कौन है? छोटी सी उम्र में ही मेरा सांसारिक प्रियतम छिन गया, बस आपका ही तो सहारा है। आप भी मुझसे प्यार नहीं करोगे तो सांवरिया मैं प्राण दे दूंगी, आप नहीं जीमोगे तो मैं स्वयं को पापी मानूंगी, लोग भी मुझे जीने नहीं देंगे। हे प्रियतम, आप मेरी पुकार सुन लो। ऐसा कहते कहते वह भूखी सो गई। दूसरे दिन गांव वालों ने कर्मा के हट की बात सुनी तो हक्के बक्के रह गए। बड़े बुजुर्ग तो कर्मा को समझाने की कोशिश करने लगे। वह बोली, क्या भगवान से मजाक करते हैं? भोजन जिमाने का भगवान है तो आते क्यों नहीं? भगवान को मेरे घर तो आना ही पड़ेगा, कब तक वह भूखा रहेगा मैं देखूंगी। आस पड़ोस के गाँव के लोग भी कालवा आने लगे। काजी ने कर्मा को खूब मनाया लेकिन भक्त टस से मस नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े दुखी थे कि भक्त भूखी है, भगवान भीड़ के सम्मुख कैसे आ सकते थे। सातवें दिन भी कर्माबाई खीचड़ा लेकर बैठ गई। रात हो गई, कर्मा गुनगुनाने लगी, फिर से वही गाना, थाली भर कर ल्याई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाबू मारो गाव गयो है, कुण जाने कद आवे लो, बाबा के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊ तने खीचड़ो, काल राबड़ी छाच की, जीमो मारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती, जी मैं कैया कोनी सावरा, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी मैं जद मैं जीमू, मानू न कोई लाट की, जीमो मारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। पर दो भूल गई रे सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, धाबड़िया के ओले शाम खीचड़ो खायो जी। भोड़ा भक्ता सू सांवरिया, अत्री काई आट की, जी मुमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भक्त का दुख भगवान से नहीं देखा गया, भगवान पधारे, कर्माबाई के हाथ से खीचड़ा खाया, कर्माबाई धन्य हो गई। चारों तरफ चर्चाएं फैल गई कि कर्माबाई का खीचड़ा खाने भगवान स्वयं पधारे। कर्माबाई के माता पिता ने चमत्कारी घटना की प्रशंसा की। फिर तो रोज ही श्री कृष्ण भगवान खीचड़ा खाने के लिए आ जाते। श्री कृष्ण भगवान बोले, कर्मा, मैं तो भक्त की खोज में ही भटकता रहता हूँ। भक्त के लिए जरूरी नहीं है कि वह मुझे खोजे, उसे तो मैं स्वयं ही खोज निकालता हूँ। मुझे 56 भोगों की आवश्यकता नहीं है, ना ही विधि विधान से पूजा पाठ करने की। जिस भक्त के हृदय में प्रेम है वहां ही मैं चला जाता हूँ। प्रेम मुझे नचाता है, भक्त मुझे तरसाता है। मैं तो भक्त का सारा काम भी कर देता हूँ। भगवान के भक्त कर्माबाई के पास आने लगे। भोली जाटनी अपनी कुटिया में रहती। एक दिन सन 1691 में कर्माबाई अपने सांवरिया को खिचड़ी खिलाकर परलोक सिधार गई। जगन्नाथपुरी में पुजारी को दर्शावा हुआ कि मैं कर्मा का खिचड़ा ही खाऊंगा। तब से रोज सुबह सुबह ठाकुर के द्वारिका मंदिर में कर्मा का खिचड़े का ही भोग लगता है। तो आज आपने कर्माबाई की जीवनी सुनी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि युवा पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।